कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिक बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसए क्लास। हम लोग एसए को देख रहे हैं और टॉपिक है 2018 का पूछा हुआ यूपीएससी का क्वेश्चंस। सामने दिख रहा है 300 मार्क्स का यूपीएससी इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका क्लास स्टार्ट हो चुका है 25 दिसंबर से। तो आप लोग ऑनलाइन जुड़ जाएंगे और ऑफलाइन में जो लोग बोरिंग रोड में ऑफिस है रिपब्लिक का, तो उससे आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये नंबर है 7677859903। कोई प्रॉब्लम होगा जुड़ जाएंगे बाद। बाकी ऑनलाइन के लिए रिपब्लिका ऐप पर जाकर के आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लेंगे रिपब्लिका अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के। ठीक है, वहां पर आपको निबंध का वो दिखेगा, कोर्स दिखेगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ लेंगे। डन। अब हम लोग जो टॉपिक हमने लिया था वह क्या था? हमारा टॉपिक था अच्छा, एक चीजें तो ही हो गई। हमारा टॉपिक था कस्टमरी रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती है, या हो सकती है। इस टॉपिक को लेकर के आगे हम लोग बढ़ रहे थे, बहुत सारी चीज को इसमें हम लोगों ने देख लिया। अब वो इसमें पहले एग्री होना है या डिसएग्री होना है, या कैसे बैलेंस अप्रोच लेना है, कस्टमरी मॉडलिटी क्या है, मॉडल लाइफ क्या है। ठीक है, इन सारी चीजों को हमने देखा है। अब इसमें एग्जाम्पल के साथ हम लोग यह देख रहे हैं कि कैसे हमारी कस्टमरी मॉरलिटी की, हमारी रूढ़ि प्रथागत नैतिकता की, रूढ़िगत कहना शब्द सही नहीं है, सही शब्द नहीं वहां पर लिखा गया है क्वेश्चन में, रूढ़िगत नहीं प्रथागत होना चाहिए। तो प्रथागत नैतिकता जो हमारी आदिकाल से, प्राचीन काल से चला आ रहा है, वह हमारे आधुनिक जीवन को गाइड कर सकती है, इसको हमने हम देख सकते हैं। ऐसी कस्टमरी मॉरलिटी हमारे आधुनिक जीवन को गाइड नहीं कर सकती है, दोनों बातें आपको लिखनी है। तो हमने देखा कि जो मूलभूत चीजें हैं वह हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण है, जो मूलभूत सिद्धांत है और उसके आधार पर जो प्रथा डेवलप हुआ है, जैसे सत्य बोलना चाहिए, हमें दयालुता रखनी चाहिए, हमें ऑनेस्ट होनी चाहिए, ये सारी चीजें आज भी महत्व, बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, और इस मूल्यों के आधार पर जो नैतिकता डेवलप हुई है, जो प्रथा डेवलप हुआ है, हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण है। इस मॉडर्न लाइफ में भी हमें वह मार्गदर्शित कर रहा है, हमें आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है। ठीक है, हमारे जीवन को एक ज्यादा अच्छा बना सकता है, बना रहा है। ठीक है, दूसरी बात इसी में मतलब जो एक्सेप्टेबल है उसकी अभी मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसे इसमें हम देखेंगे कि कस्टम से रिलेटेड इससे रिलीजियस चीजें जो हमारे धर्म ग्रंथों पर आधारित है, तो वह क्या है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आज भी महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में प्रकृति को लेकर के जो बातें कही गई है, वह हमारे लिए आज भी वर्तमान जीवन में भी, आधुनिक लाइफ में भी, जहां पर इकोलॉजिकल कंसर्न काफी ज्यादा है, वह हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, हमें वह मार्गदर्शित कर रही है कि नहीं कर रही है। इकोलॉजिकल क्राइसिस उस समय नहीं था, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि, ऋषि का मतलब यहाँ पर रिसर्च करने वालों से है, जो अपने संपूर्ण जीवन, अपनी लंबी आयु शतायु होते थे और अपनी जीवन को समर्पित कर देते थे उन रिसर्च में। ठीक है, उन सिद्धांतों को खोजने में, उन मूलभूत चीजों को डेवलप करने में, उससे संबंधित प्रथा आदि चीज। तो प्रकृति के संदर्भ में जो भी बातें कही गई है सनातन धर्म में, हमारे प्राचीन प्रथा में जो आई है, वह क्या है, वह एक्सेप्टेबल है। हाँ, हालांकि उसके पीछे की सत्य को जानकर, एक मतलब
सत्यता को जानते हैं, मतलब क्योंकि मॉडर्न लाइफ में एक बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो हुआ है मॉडर्न लाइफ का, मॉडर्न लाइफ की जो एक बहुत अच्छी चीज है वह है रेशनलिटी, रेशनलिटी एक महत्वपूर्ण फीचर्स है, पहचान है, रेशनलिटी है, तार्किकता हुआ, तार्किकता तार्किकता हो गया, वैज्ञानिकता हो गया, वैज्ञानिकता हो गया, लगभग सारी चीजें वही है, वैज्ञानिकता। तो कोई भी चीजें मॉडर्न लाइफ में हम स्वीकार करते हैं, इस कसौटी पर कसने का कोशिश करते हैं कि क्या वह तार्किक है या नहीं है, क्या वह वैज्ञानिक विज्ञान के सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं है। ये हमारी मॉडर्न लाइफ की एक महत्वपूर्ण फीचर्स है। वैसे प्रथा, वैसी प्रथागत नैतिकता एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है जो तार्किक न हो, राइट जो जिसका जस्टिफिकेशन नहीं है। ऐसे चीजों को क्यों आप आज आधुनिक व्यक्ति स्वीकार करें, सिंपल सी बातें हैं। हालांकि प्राचीन काल में भी बुद्ध जैसे ऐसे लोगों ने कहा कि आप इसलिए हमारी बातों को मत स्वीकार कीजिए कि मैं कह रहा हूं, सिद्धार्थ कह रहा है, महात्मा बुद्ध कह रहा है, आप अपने तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी पर उसे कसिए, सही लगे तभी आप स्वीकार कीजिए। तो तार्किकता का गुण हमारे हमारी परंपराओं में, हमारे मूल्यों में उस समय भी था, सोचिए, ऐसा नहीं है। और हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे, बहुत हद तक वह वैज्ञानिक थे, मतलब वैज्ञानिक मानसिकता उनमें थी, लेकिन कई सारे ऐसे पहलू भी हैं, खासकर इक्वलिटी के नाम पर, महिलाओं पुरुष के संदर्भ में, जाति व्यवस्था के संदर्भ में ऐसी कई सारी चीजें हुई है जो स्वीकार नहीं है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो मैं कह रहा था कि प्रकृति की चीजें जहां पर अभी इकोलॉजिकल कंसर्न है, अब जैसे हमारे मूल्यों में है तेन त्यक्तेन, तेन 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 त्यक्तेन भुंजित, त्यक्तेन भुंजित माध्यम का शिष्य धर्म, कुछ यही चीजें हैं, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। तेन त्यक्तेन भुंजित मार्गधम धर्म, कुछ ये चीजें हैं। मतलब इसका मोटा मोटी ये हुआ कि हमें त्याग पूर्वक भुंजित उपभोग करना चाहिए। प्रकृति ने जो हमें रिसोर्स दिया है, गांधी जी ने भी कहा था कि प्रकृति हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन हमारे लोभ लालच को पूरा करने में वह सक्षम नहीं है। तो प्रकृति की कोई भी चीजों को या किसी भी चीज का उपभोग त्याग पूर्वक करना चाहिए। कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वर्तमान उपभोक्तावादी संस्कृति के लिए के संदर्भ में अगर देखें तो यह क्या है, स्वीकार नहीं, मतलब वर्तमान संदर्भ में भी ये उतनी ही महत्वपूर्ण है। और उपभोक्तावादी जो संस्कृति हमारी डेवलप हो रही है वर्तमान आधुनिक संदर्भ में, वह चीजें क्या है, गलत है। ऐसा नहीं कि मॉडर्न लाइफ में, अब मॉडर्न लाइफ से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज ये भी दिख रही है कि मॉडर्न लाइफ में जो चीजें, जो उसकी महत्वपूर्ण पहचान है, जो चीजें उभर रही है, वह भी कोई जरूरी नहीं है कि वह सत्य ही हो, वह उपयुक्त ही हो। जैसे उपभोक्तावादी संस्कृति, उपभोक्तावाद कंज्यूमरिज्म, जो कंस्पिशियस कंजम्पशन, ठीक है मैं लिख ले रहा हूं, जो कंस्पिशियस कंजम्पशन वाली जो चीजें हैं, वो उपभोक्तावादी जो संस्कृति जो डेवलप हो रही है मॉडर्न लाइफ में, क्या उसे सही ठहराया जा सकता है, नहीं। तो मॉडर्न लाइफ भी ऐसा नहीं है कि वह दूध का धुला हुआ है
या फिर वो हमेशा सत्य है, केवल तार्किक हो जाने मात्र से। ठीक है, मॉडर्न लाइफ की एक महत्वपूर्ण पहचान तार्किकता है, वैज्ञानिकता है, लेकिन आप एक महत्वपूर्ण पहलू को यहां पर आप दिखाइए कि क्या हमेशा तार्किक रहना, हमेशा वैज्ञानिक होना क्या सही होता है? नहीं, तर्कों के आधार पर बहुत सारी गलत चीजों को भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसका काट, ये जो तार्किकता है, ये अच्छी चीजें हैं, हमारी हमारी संस्कृति में भी ये तार्किकता है, लेकिन यह हमेशा उपयुक्त होगा, सदा उपयुक्त होगा, यह जरूरी नहीं है। कारण क्या, बहुत सारी गलत चीजों को भी हम तार्किक तर्क से सही ठहरा सकते हैं। मान लीजिए जहां पर एक सेक्सुअलिज्म की फीलिंग लोगों में ज्यादा है, एक काम वासना की चीजें ज्यादा वहां पर है, वहां पर एक समय में, एक आने वाले समय में, या बहुत सारे ऐसे सोसाइटी के लोग हो सकते हैं जो इसका एक निदान के रूप में, या फिर एक लोग ये कहे कि भाई बहन के बीच भी जो संबंध, शारीरिक संबंध है, उसको सही ठहरा सकता है, क्योंकि इससे बाहर गंदगी नहीं फैलेगी, बाहर की चीजें जो एक डिसऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर हो रहा है इन चीजों के कारण, वह नहीं होगा, और भाई बहन के बीच शारीरिक संबंध को लोग सही ठहरा सकता है तर्कों के आधार पर। लेकिन क्या तर्क के आधार पर तो आपने साबित कर दिया, लेकिन क्या ये उचित है, सही है? नहीं है। तो तर्क हमेशा सही होता है, यह बात भी सही नहीं है। इसके इसी संदर्भ में हमारे हमारे सनातन धर्म में, या जो हमारी संस्कृति में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म जो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा की गई है। ठीक है, चार चीजें हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों के बीच में संतुलन की बातें की गई है। तो अभी क्या है, वर्तमान संदर्भ में हम इस काम पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, इस अर्थ पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि अन्य चीजें अनबैलेंस हो रहा है। अगर हमारा जीवन एक नियंत्रित नहीं होगा, धर्म से नियंत्रित नहीं होगा, तो अव्यवस्था की स्थिति आ सकती है। वही कंस्पिशियस कंजम्पशन वाली चीजें, उपभोक्तावाद की चीजें, व्यक्ति समृद्ध तो होगा लेकिन मानसिक अशांति होगी, सोशल डिसऑर्डर भी होगा, व्यक्तिवादिता अमेरिकन समाज में ज्यादा है, चूंकि एक विकसित देश है, लेकिन वहां पर आप देखिए हिंसा भी उतनी ही ज्यादा है, बात बात में लोग गन निकाल लेते हैं, स्कूलों में एक गन कल्चर विकसित हो गया है। क्यों? अपने स्वतंत्रता के नाम पर उनको यह अधिकार है, व्यक्तिवादिता इतनी हावी है, अपने जीवन में किसी भी ढंग का लोग इंटरफेरेंस स्वीकार नहीं करता है, और यही पर जब व्यक्तिवादिता अत्यधिक बढ़ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी स्वतंत्रता उसकी स्वतंत्रता से टकराती है, एक सीमा पर आकर के हमारी स्वतंत्रता और उसकी स्वतंत्रता दोनों को एक दूसरे को इनक्रोच करता है, तो ऐसे में हितों के टकराव होंगे। ये किस कारण से होता है? तू तेरा और मेरा के कारण होता है, अति व्यक्तिवादिता के कारण होता है। तो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न लाइफ की भी जो सारी चीजें हैं वह केवल तार्किक हो, तो तार्किक होने से वह व्यवहारिक हो जाएगा, वह ऐसा नहीं है। एक कह सकते हैं कि मॉडर्न लाइफ की एक पहलू हमारा व्यवहारिकता भी है, मैं भी कहता हूं व्यवहारिकता पहले की तुलना में ज्यादा है मॉडर्न लाइफ में, नो डाउट व्यवहारिकता है, लेकिन यह हमेशा व्यवहारिकता व्यवहारिक होगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। केवल तार्किकता से व्यवहारिकता हो जाएगी, व्यवहारिकता मतलब समय के अनुरूप व्यवहार में उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको स्पष्ट हो गई। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो हमने जोड़ दिया इस बात पर, जैसे सूर्य है,
तुलसी तुलसी है, तुलसी को लोग में देवता का रूप देखता है, विष्णु भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में देखता है। तो तुलसी अब इसके प्रति एक प्रथा डेवलप हो गई कि तुलसी में पानी डालना है, तुलसी का पौधा लगाना है। तो तुलसी तुलसी जी शब्द लोग के साथ संबोधन करता है, बहुत अच्छी बातें हैं। आज मॉडर्न लाइफ में हो सकता है चीजें लगे कि ये तो बकवास है, ढकोसला है, लेकिन हमारी तार्किकता के कसौटी पर जब कसते हैं तो हम पाते हैं कि नहीं, तुलसी में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो एक ऐसा मात्र पौधा है, ऐसी मात्र सजीव चीजें हैं जिसमें इतना सारा गुण एक साथ है। दुनिया की कोई भी ऐसी सजीव पदार्थ, लिविंग बींग नहीं है जिसमें एक साथ इतनी प्राकृतिक गुण हो तुलसी जैसा, ठीक है। और यही कारण है कि मतलब जब 1984 की भोपाल गैस त्रासदी हुआ था तो उसमें जहां पर देखा गया कि कुछ एरिया बहुत कम प्रभावित है उस गैस से, विषैले जहरीली गैस से, तो वहां पर पाया गया कि वहां पर उस एरिया में जंगल नुमा टाइप की तुलसी का पौधा बहुत ज्यादा था। वहां पर देखा गया कि इसका प्रभाव काफी कम है, 9 के बराबर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की रेज को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की, अपने ऊपर झेल लेने की कैपेसिटी तुलसी में होता है और आप पर नहीं आने देता, कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच के रूप में आपकी शरीर के लिए काम करता है। एक पॉजिटिव वातावरण, एक वेव आपको वहां पर मिल रहा होता है। तो तुलसी का पौधा में जल डालना हुआ, उसकी पूजा करना हुआ, उसकी रक्षा करना हुआ, रात में अगर तुलसी पत्ता तोड़ना भी है तो चुटकी बजा करके, क्योंकि पौधों में भी प्राण होता है, इसका हमें प्रथा के रूप में चीजें दिखी है कि चुटकी बजाते हैं। तो ये चीजें आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो प्रकृति से संबंधित जैसे नदी की पूजा करना, अब नदी की पूजा, नदी इससे संबंधित जो भी प्रथा है, परंपरा हमारे यहाँ, नदी है, पेड़ है, पौधे हैं, पीपल का पेड़ है, कहा जाता है कि नहीं काटा जाता है, अगर पीपल का पेड़ को काटा जाएगा तो क्या होगा, पीपल का पेड़ काटने से पाप लिखेगा, पीपल का पेड़ काटने से पाप लिखेगा। तुलसी की चर्चा हमने कर ही दी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि पीपल का पेड़ में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, दिन रात आपको ऑक्सीजन मिल रहा होता है, रात में भी ऑक्सीजन मिल रहा होता है, कोरोना के टाइम में चीजों को हमने देखा है कि इसकी इंपॉर्टेंस को। तो ये सारी चीजें जो प्राचीन समय में था, जो हमारी प्रथागत रूप से चला आ रहा है, वह आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारी मॉडर्न लाइफ को गाइड कर रहा है। लेकिन वही कुछ चीजें हैं, खासकर जो जैसा हमने बताया कि स्त्री से संबंधित, महिलाओं से संबंधित और पुरुषों से संबंधित, तो वहां सॉरी स्त्री पुरुष और कास्ट जाति आधारित, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो है, इससे संबंधित जो भी चीजें डेवलप हुई है प्रथा के रूप में, वह वर्तमान मॉडर्न लाइफ में स्वीकार नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे स्त्री और पुरुष के बीच में समानता का अभाव रहा है, चाहे मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो या हिंदू समाज हो, सब में अभाव रहा है। इस बात को आज स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि स्त्री पुरुषों में भेदभाव है। बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण स्त्री नीचे है और पुरुष ऊपर है, स्त्री का महत्व कम है, पुरुष का महत्व ज्यादा है, यह असमानता आज के समय में स्वीकार नहीं। स्त्री और पुरुष क्या है, स्त्री और पुरुष ऊपर नीचे नहीं है, वह कम महत्वपूर्ण ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूरक है, ऐसे है, न कि ऐसे। पहले ऐसे था, पहले था यहां पर मेल और यहां पर फीमेल, ठीक है, मेल का इंपॉर्टेंस ज्यादा, उसे ज्यादा अधिकार और फीमेल को कम अधिकार। अब क्या है, यहां पर मेल है, यहां पर फीमेल है, दोनों बराबर है, 180 डिग्री 180 डिग्री दोनों को बराबर का अधिकार है।
तो इससे संबंधित जो भी प्रथाएं डेवलप हुई है, मान लीजिए सती प्रथा डेवलप हुआ तो उसका उसको हमने स्वीकार किया और इसको हमने बाहर किया। जो प्रथा के रूप में डेवलप हो गया था वह आधुनिक संदर्भ में एक्सेप्टेबल नहीं था और उसको बाहर कर दिया गया। तो आज हमारे इसका हिस्सा नहीं है। अब पति परमेश्वर होता है, यह बातें आज के संदर्भ में एक्सेप्टेबल नहीं है। पुरुषों को महिलाओं की रक्षा करनी चाहिए। अब इस संदर्भ में जो मान लीजिए रक्षा बंधन जैसी चीजें डेवलप हुआ प्रथा के रूप में, यह हो सकता है कि आज के समय में यह स्वीकार नहीं हो। स्वीकार इस रूप में होगा कि भाई और बहन के बीच प्रेम बना रहे, एक फ्रीक्वेंसी, एक बार बार आने जाने, साल में कम से कम एक बार मिलने जुलने से प्रेम बना रहेगा। प्रेम तक सही है, मेल जोल तक सही है, लेकिन भाई पुरुष की सॉरी भाई बहन की रक्षा करे यह बातें स्वीकार नहीं होगा। कन्यादान, कन्यादान को महादान कहा जाता है हमारे प्रथा के रूप में। तो लेकिन यह महिलाओं की एक उसके विरुद्ध जाती है, डिग्निटी के विरुद्ध है। भाई दान तो किसी वस्तु का किया जाता है, तो क्या महिलाओं को वस्तु मान लिया गया है हमारे समाज में, हमारी प्रथाओं में, हमारी संस्कृतियों में? अगर ऐसा है तो गलत है। कोई महिला इसका विरोध कर सकती है कि क्या मैं कोई वस्तु हूं मुझे दान किया जा रहा है? नहीं, हम पुरुष के बराबर हैं हर एक जगह पुरुष के। तो इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब हमारे ही इसमें वेद में दसवें मंडल में हालांकि छिपक के रूप में है, जो पुरुष रूप में बातें हैं, जो देखिए जाति आधारित होने का कि स्त्री से संबंधित और जाति से संबंधित चीजों को स्वीकार करने में प्रॉब्लम है वर्तमान संदर्भ में पीछे की चीजों को। तो इसमें वेदों में कहा गया है कि क्या कहा गया है, पुरुष सूत्र में कहा गया है ब्राह्मणोश्च मुख मासीद बाहोन्य राजन्य कृत उरु तदस्य यद्वेश्या पद्धाम शूद्रो अजायत। यानी ब्राह्मण के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, बाहु बाजू से राजपूतों का क्षत्रियों का जन्म हुआ है, जन्हा से वैश्यों का हुआ है और पैर से फुट वाले पार्ट से शूद्रों का जन्म हुआ है। क्या वर्तमान संदर्भ में इसके आधार पर इक्विटी हमारा नहीं, इक्विटी के आधार पर देखें तो बातें गलत है। वो इनजस्टिस को कहीं ना कहीं कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो हमने बताया कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्वीकार नहीं मतलब की जा सकती है। जाति व्यवस्था उस संदर्भ में, वर्ण व्यवस्था है, स्त्रियों से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वही चीजें अगर मुस्लिमों में जाए तो ट्रिपल तलाक की चीजें हैं। तो ट्रिपल तलाक जो चीजें हैं क्या आज एक्सेप्टेबल है? नहीं है। पुरुषों को ज्यादा अधिकार दिया गया है, महिलाओं को उसके बराबर नहीं समझा गया है। तो वर्तमान संदर्भ में मॉडर्न लाइफ में ट्रिपल तलाक स्वीकार नहीं है। जो बकरीद में बलि दी जाती है वर्तमान संदर्भ में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हिंदुओं में जो एक जो बलि प्रथा हिंदुओं में भी जो खासकर नवरात्रा वगैरह के टाइम में जो शाक्त प्रथा वाले होते हैं, शाक्त संप्रदाय वाले होते हैं, भैंसा आदि का बलि देते हैं, क्या स्वीकार है? नहीं स्वीकार है वर्तमान संदर्भ में। क्यों? ये मानवाधिकार की तो बात दूर रहे, हम पशु अधिकार की बातें कर रहे हैं। अगर आप हाथी को, घोड़े को अगर आप एक चाबुक भी मार देते हैं, सर्कस के हाथी को, तो भी आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। और आप हत्या करने की बातें कर रहे हैं, हिंसा की बातें आप कर रहे हैं। अगर पेड़ पर आपने कांटी ठोक दिया तो आपके अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऐसा केसेज आया था और इस पर कार्रवाई है। तो चीजें आप देखिए कि किस स्तर पर आधुनिक जीवन में बहुत हम मानवाधिकार की बातें कर रहे हैं। आधुनिक संदर्भ में अगर हम देखें तो मानवाधिकार, अगले पेज पर आप आ जाए, हम लोग मानवाधिकार की बातें कर रहे हैं। पशु अधिकार की बातें कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मॉडर्न लाइफ में बहुत ही अच्छी है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है और बहुत सारी चीजें एक्सेप्टेबल है। तो अब इसके आधार पर इन सब को देखते हुए कौन कौन सा चीज एक्सेप्टेबल है कौन कौन सा नहीं है, एक क्लैरिटी में आपको दिख रहा है। अब इसके आधार पर आप चीजों को कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूजन में क्या लिखना है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है एक ब्यूरोक्रेटिक सीख आपने क्या लिया, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच क्या होगा, यह महत्वपूर्ण है। एक चीज आपको अपने हिस्से में दिखानी है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। किसी भी हिस्से में उस एंगल से जरूर चीजों को देखिए कि एज ए आम नागरिक के रूप में, एज ए ब्यूरोक्रेट्स के रूप में आप क्या वहां पर मैसेज दे रहे हैं, क्या आप सीख पैदा किए, और कल होकर के आपको जब जिम्मेदारी दी जाएगी, आपको अधिकार दिया जाएगा, तो आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करेंगे, उसमें कैसे इन चीजों का फूट आप डालेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है और ये आपको ऐसे में डालना है, उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। तो वंस अगेन बैक टू ऐसे क्लास नाम का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं निबंध और हमारा टॉपिक है हमारा रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकता है। 2018 का क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने देखा, क्लासेज ऑलरेडी इस पर हो चुका है ऑफलाइन, हम समराइज करके हम उसको देख रहे हैं स्पेशली यूट्यूब के मतलब दर्शकों के लिए। इसलिए आप लोग अपना कमेंट जरूर करेंगे, जो लोग भी इसको देखेंगे अपना कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। इसमें क्या और भी चीजें जोड़ी जा सकती है या आपकी क्या राय है। तो हमने देखा कि रूढ़िगत नैतिकता जो है हमारे मौजूद आधुनिक जीवन को मार्गदर्शित कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो बहुत सारे पहलुओं को हमने देखा, ठीक है। अब इसमें क्या है लास्ट में कंक्लूजन वाली चीजें हैं, ये मॉडर्न लाइफ की चीजें हैं। कंक्लूजन में चीजों को कैसे आप कंक्लूजन में आप सबसे पहली बात है कि आपने पहले ही आप एग्री वाले पार्ट को डाला, दूसरा डिस एग्री वाले पार्ट को भी आपने डाल दिया क्रमशः। उससे पहले की चीजों पर मैं नहीं जा रहा हूं, जैसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट है इसमें, मतलब इंट्रोडक्शन वाली चीजें हैं, इंट्रोडक्शन वाली चीजें हैं, जो चीजें हैं उसको आपने स्पष्ट किया कि कस्टमरी मोरलिटी क्या है, मॉडर्न लाइफ क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया, कस्टमरी मोरलिटी क्या है, मॉडर्न लाइफ क्या है, इन सबको स्पष्ट कर दिया। फिर आप एग्री हो रहे हैं कुछ हद तक आप डिसएग्री हो रहे हैं। कंक्लूजन में दोनों की चीजों को आपको लेकर के एक बैलेंस अप्रोच करना होता है, बैलेंस अप्रोच आप करते हैं, और इसमें आपको एक प्रोग्रेसिव जो चीजें होगी, ठीक है, उसकी तरफ आपका झुकाव होना चाहिए, प्रोग्रेसिव चीजें। जैसे आधुनिक जीवन की जो एक महत्वपूर्ण चीजें हैं वो तार्किकता है, वैज्ञानिकता है, विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरना है, हम किसी भी चीज को ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो यह एक अच्छी बात है। तो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच हमारा यही है, तो इसको लेकर के आप जो इंक्लिनेशन दिखाएंगे वह इस बात को आप दिखाएंगे कि हाँ बहुत सारी चीजों को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी निगेटिव चीजों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। हमारे मॉडर्न लाइफ को वह गाइड नहीं करता है, लेकिन कुछ मूलभूत चीजें हैं, शाश्वत चीजें हैं, जो नित्य है, जो यूनिवर्सल है, इटर्नल है, उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉडर्न लाइफ भी हमारा क्या है, मॉडर्न लाइफ भी हमारा वह निर्दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह निर्दोष है, 24 कैरेट है, इसमें कोई डिमेरिट नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी कई सारे डिमेरिट से युक्त है। एक कैसी जीवन, तभी तो हम जीडीपी से ज्यादा महत्वपूर्ण एक खुशहाल इंडेक्स को हम ज्यादा महत्व देते हैं, एक सोशल इंडेक्स पर ज्यादा हमारा जोर होता है वर्तमान संदर्भ में, और बहुत सारे देश अब दे रहा है, उसको भी शामिल किया जाए कि सोशल इंडेक्स में हम कहां है,
केवल जीडीपी में हम कहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ओवरऑल मनुष्य को खुशहाली चाहिए। तो मॉडर्न लाइफ भी कोई दूध का धुला हुआ चीजें नहीं है, इसको भी एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीजें इसमें भी है जो कि काफी दोषपूर्ण है। तो इस ढंग से चीजों को बैलेंस अप्रोच करके चलना है। अगली बात है जो मैं इसमें कहा कि जो आपकी एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के रूप में होगी वह क्या होगी। ओवरऑल इस एसे से आप के अंदर यह चीजें डेवलप हो गया कि ऐसी क्या चीजें हैं। मान लीजिए इसको हम एक प्रथागत लाइफ, इसको मॉडर्न लाइफ मानते हैं, मॉडर्न लाइफ मानते हैं, और इसको हम कस्टमरी लाइफ मानते हैं, ठीक है, जो हमारी इंस्टेंट टाइम से चला रहा है, प्रथा के रूप में चला रहा है, और दूसरा मॉडर्न लाइफ के रूप में मानते हैं। तो दोनों में कौन अच्छा है? बहुत सारी चीजें ऐसी है जो क्या है, कॉमन है, इसमें भी बहुत सारी चीजें जो बीच का पार्ट है वो आज भी महत्वपूर्ण है। इसको आप दिखा भी सकते हैं, वहां भी आप दिखा सकते हैं कि कस्टमरी लाइफ की बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आज भी, और बहुत सारी चीजें मॉडर्न लाइफ में भी, जैसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉमन है, ठीक है। कुछ चीजें जो कॉमन नहीं है या वितर्क कसौटी पर नहीं उतर रहा है यह वाला पार्ट, वह हम स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है, वह हमारे तर्क कसौटी पर क्योंकि सही नहीं उतर रहा है उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जो कॉमन वाला पार्ट है, ये देखिए कॉमन वाला पार्ट है जो दोनों में है, ठीक है, तो वह स्वीकार होगा। बाकी चीजें जो मैं लोगों के विरुद्ध जाता है, एक जातिगत समाज, एक प्रथा, एक प्रजातिगत समाज को बढ़ावा देने वाला है, एक 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 मानवीय डिग्निटी के, मानव होने के नाते जो आपको अधिकार मिल रहा है उसका हनन करने वाला है, पशुओं के अधिकारों का हनन करने वाला है, वह स्वीकार नहीं होगा। तो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में ये चीजें महत्वपूर्ण होती है कि उस मूल चीजों को आप समझें कि यहाँ का क्या अच्छा है, कौन ऐसी, मतलब यहाँ का कस्टमर लाइफ कौन सी चीजें अच्छी है, ऐसी क्या चीजें हैं जो अच्छी नहीं है और उसको सुधारने की आवश्यकता है, उसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है। क्यों? एज एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में भी, एक अवेयर्ड अलर्ट एक सिटीजन के रूप में भी है, इसको समझना जरूरी है, और एक ब्यूरोक्रेसी के रूप में भी यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या सही है पहले की चीजें और क्या गलत है। वर्तमान संदर्भ में जो हमारा मॉडर्न लाइफ है उसमें क्या सही है और क्या गलत है, यह दृष्टि डेवलप हो जानी चाहिए एक ब्यूरोक्रेट में भी, एक प्रबुद्ध नागरिकों में भी, और उसके आधार पर लोग, एक आम जो व्यक्ति है, एक जो लेमैन है, वह बिहेव करेगा। कस्टमरी मॉरलिटी की बहुत सारी चीजें उसमें आप पाएंगे, जब आप फील्ड में जाएंगे तो आप पाएंगे उसमें वो चीजें हैं, और चूंकि आपकी ये समझ है कि अरे ये तो अपने कस्टम से डिराइव्ड हो रहा है, बिकॉज एज वी नो दैट आवर सोसाइटी इज स्टिल गाइडिंग फ्रॉम आवर रिलीजन एंड कस्टम्स एंड नॉर्म्स, इंस्टेड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडर्न लॉ, आवर मॉडर्न सोसाइटी इज स्टिल गाइडिंग फ्रॉम आवर कस्टम्स एंड कल्चर्स एंड नॉर्म्स एंड पैटर्न्स ऑफ द सोसाइटी। हम जितना आज के समय मॉडर्न लाइफ में हम अपने कानून से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से जितने गाइड नहीं होते हैं, उससे ज्यादा हम अपने धर्म से डिराइव्ड हो रहे हैं, हम गाइड हो रहे हैं। इस बात को आप लिखिए, एक सच्चाई को लिखिए, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत सारी प्रथाएं ऐसी डेवलप की गई है जानबूझ करके हमारे पुरखों के द्वारा, हमारे पूर्वजों और ऋषियों के द्वारा, कि आम व्यक्ति उस बहाने उसका पालन करे।
आम व्यक्ति को भले उसकी समझ तक की अंदर की समझ हो ना हो, लेकिन उसी बहाने उसका अपहरण करे। जैसे सूरज को पानी डालना, तुलसी को पानी डालना जैसी चीजें हैं, सूर्य नमस्कार करना। तो सूर्य नमस्कार करने से आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली आप दुरुस्त रहते हैं, इसलिए करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार में करना चाहिए, ये बातें कही गई। अब उसके पीछे क्या सच्चाई है, कितनी वैज्ञानिकता है, आम आदमी भले ना जाने, लेकिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। स्कूलों में, अपने घरेलू लाइफ में, तो इसको प्रथा एक बना दिया गया। झुककर के प्रणाम करना चाहिए, झुककर के प्रणाम करने का एक अपना एक फिजिकल इंपॉर्टेंस है उसका। तो आप देखेंगे कि इन सारे तत्वों की समझ आप में हो जानी चाहिए, ठीक है, एक ब्यूरोक्रेट में। और दूसरी बात है कि जो गलत है उसको सुधार करना है। विलियम बेंटिक को समझ थी, तभी तो सती प्रथा जैसी चीजों को उसको हटाया, इरिटिकेट किया। तो एज ए ब्यूरोक्रेट के रूप में आपको भी इसकी समझ होनी चाहिए। आम आदमी बिहेव करेगा, सही रही गलत भी, आपको उसकी समझ होनी चाहिए कि कहां वो गलत कर रहा है, क्यों गलत कर रहा है, किस कारण से कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी रिस्पॉन्स होनी चाहिए, ठीक है। मॉडर्न लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि दूध की धुली हुई नहीं है, उसमें बहुत सारे दोषेज हैं, उसको भी समझना होगा एक ब्यूरोक्रेट को। मान लीजिए बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, एक ब्यूरोक्रेट्स के रूप में आप इस बात को कैसे, मतलब इस मूल्य के तहत अगर आप काम करेंगे, तो आपके ऑफिस में आप मान लीजिए अधिकारी हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो वृद्ध है, पेंशन के लिए दौड़ लगा रहा है ऑफिस का, अब शरीर उसका असहाय है, सख्त है, लेकिन पेंशन के लिए उसको बार बार आना पड़ रहा है। ऐसे कोई बुजुर्ग आएंगे तो आप उठ खड़े होंगे, आप उनका रिस्पेक्ट करेंगे कि आइए सर बैठिए। आप भले अधिकारी हो लेकिन वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो फिजिकली उतने एबल्ड नहीं है जितने आप हैं, बार बार उनको आना न पड़े, इसलिए उनके काम को तत्परता से आप निपटाएंगे, निपटवाएंगे। तो यह क्या है, आपको अगर इसकी समझ है कि हमारे मूल्यों में क्या ऐसी चीजें रही हैं जिसका पालन हमें करना चाहिए, हम अधिकारी हो गए, हम मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम पीछे की चीजों को टोटली छोड़ दें। हाँ, वैसे चीजों को जरूर हम छोड़ दें, रिजेक्ट करें, जो कि हमारी व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध जाता है, स्त्रियों के विरुद्ध जाता है, एक जाति समूह के विरुद्ध जाता है, एक पशुओं के अधिकार के विरुद्ध जाता है, प्रकृति के विरुद्ध जाता है, ठीक है, मानवीय गरिमा के अगेंस्ट में जाता है, ऐसी चीजों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। एक बातें और भी जो महत्वपूर्ण है जो छूट रही थी, वह यह है कि देखिए, यह जो चीजें हैं, परंपरा और आधुनिकता, परंपरा यानी हमारा जो ट्रेडिशन है और जो आधुनिकता है, मॉडर्निटी है, यह क्या है, एक बिल्कुल कोई दो चीजें नहीं है, ये कोई दो चीजें नहीं है, एक ही स्केल का दो पहलू। यहां पर मॉडर्निटी है तो यहां पर ट्रेडिशन है, एक ही स्केल पर दोनों है, स्केल है ना, एक स्केल है, इसी स्केल के दो छोर है, और एक छोर पर आपका ट्रेडिशन है, तो दूसरे छोर पर मॉडर्निटी है। आपका एक पैर ये आदमी है, ठीक है, उसका एक पैर ट्रेडिशन में है तो एक पैर मॉडर्निटी में है। कोई भी सोसाइटी पूर्ण रूप से आधुनिक नहीं होता है, और कोई भी सोसाइटी पूर्ण रूप से परंपरागत नहीं होता है। एक पर ट्रेडिशन में है, अगला पर आपका क्या है, आधुनिकता में। तो एक ही स्केल के दो पहलू हैं, कई बार ये विरोधाभासी हैं, लेकिन बहुत सारे पहलुओं पर ये समानता भी रखते हैं, और उसी की समझ आपको एक ब्यूरोक्रेट्स को, एक प्रबुद्ध नागरिक को एक जानना चाहिए, और उसके आधार पर आपको बुरी चीजों को दूर करना है, इरिडिकेट करना है, ऐसी प्रथा परंपरा को जो कि व्यक्ति, समाज, स्त्री, जाति विशेष के विरुद्ध जाता है, ठीक है, बच्चों के विरुद्ध है, पशुओं के विरुद्ध है,
और अच्छी चीजों को बनाए रखना है, उससे मार्गदर्शित होते रहना है, ताकि एक बेहतर आधुनिक लाइफ आपका हो सके, एक बेहतर एक जीवन आप जी सकें और इस धरती को इस पृथ्वी को रहने लायक बेहतर जगह बनाया जा सके, इसके लिए दोनों के बीच बैलेंस को बनाए रखना जरूरी है। और इसमें बुद्धिजीवियों का, प्रबुद्ध लोगों का, ब्यूरोक्रेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, इसकी समझ होनी चाहिए, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, ठीक है। और आपको जब ऐसा मौका मिलेगा तो आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, इस चीज की झलक आपको दिखा देना है अपने निबंध में सामने वालों को, ताकि आपकी जो ओवरऑल आप एसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो एसे में इस बात को दिखला देना है कि हमको मौका मिलेगा तो इन चीजों को जहां भी व्यवहारिक स्तर पर, जैसे हमने कहा है कि वृद्ध कोई आपके ऑफिस में पेंशन के लिए बार बार आते हैं, ठीक है, तो उनके प्रति आपका क्या रवैया, हमारा मूल्य क्या करता है, ठीक है, तो इस चीज को अब देखते हैं कि विकसित से विकसित समाज भी, जापान जैसे कंट्री भी जो कि बहुत ही मॉडर्न है, लेकिन अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा है, अपनी परंपरा के लिए वह जाना जाता है, तो हम परंपरा को निभाते हुए भी आधुनिक हो सकते हैं और परंपरा की अच्छी बातों से हम गाइड हो सकते हैं, तभी आपका मॉडर्न लाइफ भी संतुलित होगा। समन्वय जरूरी है, संतुलन जरूरी है, जैसे पूरा का पूरा खगोलीय पिंड संतुलन पर काम कर रहा है, वैसे ही इसके बीच में संतुलन जरूरी है, परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन जरूरी है, बेहतर जीवन जीने के लिए, धरती को बेहतर लाइफ बनाने के लिए, या जो भी हमारी इकोलॉजिकल क्राइसिस है उसको दूर करने के लिए, बेहतर इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आप चीजों को कंक्लूड करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका एसे होगा। वंस अगेन एसे का क्लास चल रहा है, 25 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस, सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग ऑनलाइन जुड़िए और ऑफलाइन आप पटना बोरिंग रोड ब्रांच से आप जुड़ सकते हैं, ये नंबर है। ऑनलाइन जुड़ने के लिए रिपब्लिक का ऐप को इंस्टॉल करना है और उस पर जाकर के जो निबंध का कोर्स है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, ठीक है। और ये नंबर है 7678599093, इस पर आप जुड़ करके क्या करेंगे, आप कोई प्रॉब्लम होगा पूछ लेंगे, और आप ताकि बेहतर आप ऐसे लिख सकें, और सर्टेनली आप विश्वास कीजिए कि आप बहुत ही अच्छा ऐसे 25-50 ऐसे को हमारे साथ आप करेंगे तो एक ऑटोमेटिकली एक बहुत ही अच्छी स्किल डेवलप हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं, और ये आपको सेलेक्शन दिलाएगा, एक अच्छा नागरिक तो बनाएगा ही, एक अच्छी समझ तो पैदा करेगा ही समाज का, सेलेक्शन भी दिलाएगा विथ प्रॉपर रैंक, ठीक है। और यही हमारा मोटो है, यही हमारा उद्देश्य है, अच्छा अंक लाना। डेट्स ऑल द बेस्ट, हम लोग फिर मिलते हैं।